इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर और जो इनके रोल हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में और जो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी है उसको बोल सकते हैं ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रिसिटी। तो उनके रोल क्या हैं? तो बेसिकली जो कंडक्टर है वो उसका रोल है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी में, और या उसको आप ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो। जो इंसुलेटर हैं इसका जो रोल है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में है, ठीक है। तो कंडक्टर को भी हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होल्ड के लिए जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो जो उसका चार्ज है बेसिकली उसको होल्ड करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, पर हमें एक इंसुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसको इंसुलेट करना पड़ेगा। तो अब इसको समझते हैं ये किस तरह है। तो कंडक्टर की जो एक तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो किस तरह की है और जो इंसुलेटर की है वो किस तरह की होती है। तो जो बेसिकली जो जो कंडक्टिंग जो मटेरियल्स हैं तो मोस्टली मेटल हैं, और मेटल का जो एटॉमिक साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है, मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन उसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक। तो उसकी वजह से जो उसका, अब सपोज़ करो यहाँ पर मैंने लिया है, ये हमारा है न्यूक्लियस, ठीक, इसको मैं डार्क कर देता हूँ, और इसके आउटर पे हैं ऑर्बिट। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ़ ऑर्बिट भी ज़्यादा होंगे, ठीक। तो जो आउटर का जो सबसे आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं तो मैं यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 8 हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जो जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल हैं उसके जो आउटर में है ना, तो वो 8 से कम ही है, ठीक। तो जितने मेटल हैं तो इसमें अब क्या है, अब जो बेसिकली जो जो एनर्जी है, तो जो नियरेस्ट जो ऑर्बिट है या इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जब इलेक्ट्रिक चार्ज हमने डिस्कस किया था। तो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे ही हम आउटर पे जाते हैं, ठीक है, तो उसकी एनर्जी कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन हैं इनकी जो एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी वो काफ़ी कम है। तो रूम टेम्परेचर पर, तो रूम टेम्परेचर कितना हुआ, 27 डिग्री, ठीक। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तो -273 डिग्री से जीरो केल्विन जिसको बोलते हैं। तो ये एब्सोल्यूट जीरो है, तो एब्सोल्यूट जीरो पे जो आपका कंडक्टर है वो कंडक्ट नहीं करेगा, जो कंडक्टिंग मटेरियल हैं वो कंडक्ट नहीं करेंगे। पर ये जो रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर क्या है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो एनर्जी जो आउटर जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं जो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको सफिशियंट एनर्जी मिल जाती है, जिससे कि वो क्या करते हैं अपने पेरेंट एटम को, तो ये इलेक्ट्रॉन पेरेंट एटम को छोड़ के और ये फ्रीली मूव करता रहता है, ठीक है। तो जो हमारा मेटल है उसमें नंबर ऑफ एटम बिलियन में होंगे, है ना। तो वो क्या करता है, एक एटम को छोड़ के गया दूसरे एटम में चला गया, क्योंकि सेम सेम जो सबके एटम हैं वो सबके सेम ही हैं, एटमिक स्ट्रक्चर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये फ्रीली मूव करते हैं जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। तो फ्रीली मूव करने से क्या है, वो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, जो अगर आपके इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर है, कंडक्टर आर मटेरियल दैट लेट इलेक्ट्रॉन पास थ्रू दैम, ठीक। तो अगर कोई बाहर से कोई हम इसमें इलेक्ट्रॉन देते हैं यानी नेगेटिव चार्ज देते हैं, सही है, तो वो क्या करेगा, वो उसको पास कर सकता है इजीली, क्योंकि यहाँ फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो एक और कॉन्सेप्ट है कि वो जो आपका जो मटेरियल है ना, चाहे इसमें मेटल है यहाँ पर, तो वो क्या करता है अपने को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करता है, ठीक है। तो ओवरऑल में देखते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करेगा, अगर कोई एक्स्ट्रा उस पर चार्ज आया है तो वो क्या करेगा, उसको पास करेगा, ठीक। तो जब तक वो चार्ज रहेगा तब तक उसकी टेंडेंसी उसको पास करने की रहेगी, जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको वो रिमूव करें। तो जो हमारा कंडक्टर है तो वो उसको रिमूव करता है पास करके, ठीक है। तो यहाँ पर मेटल आर द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड टू देयर एटम्स, सही है, सो दैट दे कैन पास फ्रीली बिटवीन दैम। तो आउटर जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है वो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है उन इलेक्ट्रॉन्स की वो काफ़ी कम होती है। तो उसको थोड़ी सी एनर्जी अगर हम दें यानी रूम टेम्परेचर पर, उसको सफिशेंट एनर्जी मिल जाती है जिससे कि वो अपना आउटर ऑर्बिट को छोड़ के वो
फ्रीली मूव करता है। तो ऐसे ही बहुत सारे एटम हैं, एक जो मेटल का पीस है ठीक, तो उसमें बहुत सारे एटम हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उसमें फ्रीली मूव करते हैं। तो ये एटम इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकल के दूसरे एटम में जाएगा, दूसरे एटम से निकल के तीसरे एटम में जाएगा, तो वो इस तरह चलता रहेगा ठीक है। अब आते हैं इनका रोल, जो हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है या जो हमारी डायनामिक या उसको आप ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो। तो एक कंडक्टर विल बिकम चार्ज्ड ओनली इफ़ इट इज़ हेल्ड विद ए इंसुलेटिंग हैंडल, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड बिटवीन द कंडक्टर एंड ग्राउंड थ्रू द ह्यूमन बॉडी, अगर ह्यूमन बॉडी ने उसको होल्ड किया हुआ है तो ठीक है। तो हमारी बॉडी भी कंडक्ट करती है चार्ज को ठीक है, तो अगर हमें उससे प्रोटेक्ट करना है तो हमें इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करने पड़ेंगे अपने को, अगर हमें चार्ज से है ना, उससे अगर अपने को प्रोटेक्ट करना है, मतलब अपने को किसी शॉक से उसको इस तरह हमें बचना है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भी इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करने पड़ेंगे। तो जो उसके एग्जांपल हैं कॉपर, आयरन, एलुमिनियम, तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल इसमें यहाँ पर दिए हुए हैं ठीक है। तो यहाँ पर ये है केबल सही है, ये मल्टीवायर केबल है, तो इसमें चार वायर हैं ठीक। ये स्पून मेटल की बनी हुई है, ये जैक जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली टीवी से कनेक्शन करने में, स्पीकर के कनेक्शन करने में, या मोबाइल से अपना जो जो हियरिंग जो है वो हियरिंग केबल है उसको सुनने के लिए है ना। यहाँ पर ये कॉपर वायर है, ये गोल्ड बार है ना, तो ये सब जो हैं ये कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं राइट। तो जितनी भी मेटल की चीज़ें बनी हैं, चाहे एलुमिनियम से बनी हो चाहे स्टील से बनी हो, वो सब क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये सिंगल सिंगल वायर हैं, कॉपर वायर हैं, इंसुलेटेड हैं है ना, तो ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं चार्ज से ठीक। और इंटरनली ये जो कॉपर वायर है ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफ़र करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का मतलब है चार्ज को ट्रांसफ़र करेगा। यहाँ पर है स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर ये जो मेटल है ये कंडक्टर है, और इससे प्रोटेक्ट करते हैं हम अपने आप को एक इंसुलेटर लगा के ठीक। तो जैसे कि उसमें बताया है कि वो इलेक्ट्रो मतलब कोई अगर कंडक्टर है वो चार्ज स्टैटिक चार्ज हेल्ड कर सकता है, तो वो कब कर सकता है, तो इस कंडीशन में। तो आप इधर से इसको पकड़ोगे तो ये चार्ज जो है, अगर ये चार्ज है इसको चार्ज किया, तो चार्ज करने के लिए रब से भी कर सकते हो, तो रबिंग में जो स्टील है मोस्टली ये सब जो बना होता है ये मेटल जो है इसको ड्राइवर का, ये कास्ट आयरन का या स्टील का है ना। तो यहाँ पर स्टेबल को देखते हैं, ट्राइबो जो हमारी इलेक्ट्रिक टेबल है, तो उसमें हमारे पास कॉटन स्टील, तो स्टील है यहाँ पर, और निकिल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब आते हैं ठीक है। तो अगर हम रब करते हैं किसी मोस्ट नेगेटिव जो यहाँ पर दिए हुए हैं कोई मटेरियल से स्टील को ठीक, तो स्टील पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और उस चार्ज को आप मेंटेन रख सकते हो कब तक, जब तक आप ये इंसुलेटेड हैंडल का यूज़ करेंगे। अगर आपने इसको टच किया तो ये जो है इसका जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, बॉडी में चार्ज आएगा चार्ज ठीक है। और अगर बॉडी आपके जो बार फूट हैं अगर आप है ना बार फीट अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी से थ्रू वो अर्थ हो जाएगा ठीक। तो ये है कंडक्टर के बारे में। तो कंडक्टर बेसिकली जो यूज़ होते हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ नहीं होते हैं ठीक है, कर सकते हैं इंसुलेटर लगा के, तो यूज़ होते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो चार्ज है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए ठीक। अब आते हैं इंसुलेटर पे, तो इंसुलेटर आर द मटेरियल दैट हार्डली कंडक्ट। तो रीज़न ये है कि इनका जो एटम है ना वो छोटा होता है, तो यहाँ पर अगर सपोज़ करो ये न्यूक्लियस है और इसके जो ऑर्बिट हैं ठीक है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो जो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्लोजली बाइंड रहेंगे न्यूक्लियस से, तो उनको वहाँ से रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ठीक है, कि वो पेरेंट एटम को छोड़ के चले जाएँ ऑलराइट। तो ये रीज़न है एक तो कंडक्टर और इंसुलेटर के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो डिफरेंस है दोनों में, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेके भी है। तो आप उसको जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आप उसको देख सकते हैं, जो मेटल हैं और जो इंसुलेटर हैं ठीक, उन दोनों को आप देख सकते हैं, जैसे माइका है इस तरह का है, रबर है, तो रबर इन सब का आप देख सकते हैं
तो इंसुलेटर आर द मटेरियल्स दैट हार्डली कंडक्ट, देयर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड टू एटम एंड आर नॉट फ्री टू मूव. तो वजह यही है, वो टाइटली हेल्ड इसलिए करता है इलेक्ट्रॉन को क्योंकि उनका जो एटॉमिक साइज है वो छोटा होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कम होते हैं, सही है, कंपेयर टू मेटल या कंडक्टिंग मटेरियल्स. एन इंसुलेटर कैन बी चार्ज बाय रबिंग बिकॉज द चार्ज प्रोड्यूस कैन नॉट मूव फ्रॉम वेयर द रबिंग अकर. ठीक, तो इंसुलेटर जो है उसको आप चार्ज कर सकते हो, रब करने से चार्ज कर सकते हो, जैसे कि वो ट्राइबो इलेक्ट्रिक जो टेबल है उसमें हमने उसको पहले उसको हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं. और जो उसका चार्ज है वो इधर मूव नहीं होता, तो जो भी एटम रब हुआ है वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव होके वो दूसरे मटेरियल पे आ जाता है. मतलब तो दो मटेरियल को अगर रब कर रहे हैं तो एक मटेरियल से निकल के इलेक्ट्रॉन दूसरे मटेरियल पे आ जाएंगे. ठीक, और वो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि वहाँ पर इजीली कोई इलेक्ट्रॉन पास नहीं होता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो रहा तो वो चार्ज एज इट इज रहेगा. ठीक, सो द इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टैटिक क्योंकि वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो इसलिए वो क्या है, रेस्ट कंडीशन में है तो स्टैटिक है. द गुड इंसुलेटर आर प्लास्टिक, नायलॉन, ग्लास एट्सेट्रा एंड पुअर इंसुलेटर आर वुड, पेपर, कॉटन, अर्थ. ठीक, तो पुअर इंसुलेटर का मतलब है कि वो अगर चार्ज ज़्यादा है तो वो कंडक्ट करने लगेंगे. ठीक है, और गुड इंसुलेटर का मतलब है कि वो एक जो लेवल है चार्ज का वो उसको बियर कर सकते हैं. जैसे प्लास्टिक, नायलॉन, ग्लास, तो अगर चार्ज ज़्यादा है तो उसको भी ये बियर कर सकते हैं, पर जो पुअर इंसुलेटर है अगर चार्ज ज़्यादा है तो ये कंडक्ट कर देते हैं. तो एग्जाम्पल है ये ग्लास, प्लास्टिक, सिरेमिक, रबर, वुड, फैब्रिक, जो नायलॉन वगैरह इस तरह है, कॉटन का है कुछ भी, तो वूल, हेयर भी हो सकते हैं, कॉर्क, पेपर, ये सब जो हैं ये सब इंसुलेटिंग. तो इसमें मिक्स है गुड इंसुलेटर और बैड इंसुलेटर. ठीक, तो क्लियरली है अब इंसुलेटर के जो बेसिकली प्रॉपर्टी है, जो इंसुलेटिंग मटेरियल हैं जितने भी, वो सब जो है स्टैटिक चार्ज हेल्ड करते हैं. सही है, तो रीज़न यही है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें फ्रीली मूव नहीं करते हैं, है ना. तो अगर आपने उसको कोई एनर्जी, उसको एक्सेस एनर्जी दी और वहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए तो उसको एक्वायर करने के लिए वो जो अगर वापस उसको अपनी नेचुरल स्टेट में आना है, ठीक है, तो वापस उसको हमें दोबारा उसको जैसे रब किया है या ऐसा कुछ उस मटेरियल से, हम उसको अगर वैसे ही टच कराएंगे तब तो वो हो जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है उस टच कराने से पास हो जाए. ठीक है ना, कि वो वापस उसको एक्वायर कर ले. ठीक है, पर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी नहीं है जैसे कि कंडक्टर में है, क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो एकदम उसको जो चार्ज आया है उसको फ्रीली वो क्या करा देते हैं, ट्रांसफ़र करा देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है इंसुलेटर के अंदर. ठीक, तो इसको यहीं रोकते हैं. तो आपको क्लियरली मेंशन समझ में आ गया होगा कि जो इंसुलेटर का लेना देना है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से लेना देना है. ठीक है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के से कोई लेना देना नहीं है. और जो कंडक्टर हैं उनका लेना देना है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी से, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से नहीं है. विदाउट इंसुलेटर आप उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर उसको एक तरह से जो चार्ज है उसको स्टोर नहीं कर सकते हो, तो इंसुलेटर की हेल्प आपको लेनी ही पड़ेगी. ऑलराइट, तो इसको मैं यहीं रोकता हूँ. अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट में, अदरवाइज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल. चलिए, थैंक यू.